नमस्कार दोस्तों, आपने कचौड़ियाँ तो बहुत खाई होंगी और बनाई भी होंगी, लेकिन आज मैं जो कचौड़ी बनाने जा रहा हूँ, ये कचौड़ी टेस्ट में बहुत ही डिफरेंट और शेप में बहुत ही यूनिक बनने वाली है। और इसे आप अपने घर पर मेरे तरीके से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और मेरी गारंटी है एक बार आपने बना के खा ली तो बार बार आपका बनाने का मन जरूर करेगा। ये मटर की खस्ता कचौड़ी जरूर बना के देखें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, जिससे इस रेसिपी का कोई पार्ट आपसे छूट नहीं जाए। जो भी नए भाई बहन मेरे इस चैनल पर आए वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली रेसिपी की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं आपका दोस्त जयवीर चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल सैफी फूड विद जय पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं आगे की वीडियो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये 1.5 कप हम मैदा लेंगे और 1.5 कप में लगभग 250 ग्राम ये मैदा लेते हैं। और इसमें दोस्तों ये 1/2 चम्मच हमने अजवाइन लिया, अजवाइन को हाथों से क्रश कर दिया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद 1/2 चम्मच इसमें हम नमक ऐड करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इनको मिक्स करने के बाद फिर हम 4 से 5 चम्मच ये हमने घी को बॉईल कर लिया है, तो घी को गर्म करके और इसमें हम डालेंगे। घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो इसमें आपको 4 से 5 चम्मच डालनी है और इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके इस तरह से इसके लड्डू यद बन जाएं आटे के, तो आप समझ जाना कि ये अच्छी तरह से हमारा मिक्स हुआ है और उतनी ही मात्रा हमें मोहन की चाहिए थी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके और इस डो को तैयार कर लेंगे। तो धीरे धीरे हमें पानी करना है, एक साथ नहीं करना। और ये आप देख सकते हैं ये हमारा डो बनके तैयार हो गया। और डो हम देख लेंगे कि हमें मीडियम चाहिए। और इसके बाद दोस्तों ये हम इसकी स्टफिंग तैयार करने के लिए ये हमने 2 मिर्ची ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और ये थोड़ी सी धनिया पत्ती, और ये 250 ग्राम मैंने मटर ली है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के और मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमें बिल्कुल दरदरी ग्राइंड करनी है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद एक फ्राई पैन के अंदर मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है, इसमें 1/2 चम्मच जीरा और इसके साथ साथ 1/2 चम्मच हमने सौंफ डाली है दोस्तों, और 1/2 चम्मच साबुत जो धनिया है उसको हाथों से क्रश करके हमने डाल दिया है। तो ये दोनों चीज़ें एक अलग ही टेस्ट लेके आएंगी। और इसके साथ साथ आधी हमने प्याज काटी थी, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। तो हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ही भूनना है। इसके बाद दोस्तों 3 पूरे चम्मच हमने ये बेसन लिया है और बेसन को इसमें ऐड कर देंगे और उसको भी अच्छी तरह से भून लेना है। तो हमें गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है और धीरे धीरे इसको भून लेना है। इसमें 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट तक ये बेसन भूनना है। इसके बाद दोस्तों 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद 1/4 चम्मच इसमें लाल मिर्च डालेंगे और 1/4 चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, थोड़ा सा भून लेना है। उसके बाद दोस्तों जो हमने मटर का मिक्सचर बनाया था अब उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हमें भूनना है। इसको भी हमें कम से कम 3 से 4 मिनट इसको अभी और भूनना है, जिससे जो मटर है ये मटर अच्छी तरह से भून जाए। और एंड में दोस्तों 1/2 चम्मच ये हमने इसमें आमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। और ये मेरे पास पनीर था तो मैंने इसमें पनीर भी डाल दिया है, आपके पास हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिना पनीर के भी ये बना सकते हैं। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो इस तरीके से ये सभी मिक्स कर लेने हैं। तो इस तरीके से इसे भूनते जाएंगे दोस्तों, इसमें जो मॉइस्चर होगा वो पूरा मॉइस्चर इसका निकल जाना चाहिए। एंड में दोस्तों 1/2 चम्मच जो कसूरी मेथी है उसको हाथों से क्रश करके हमने डाल दिया है, तो कसूरी मेथी भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएगी। अब इधर ये हमारा जो डो है अब इसमें से हम ये पेड़े बनाएंगे, और पेड़े आपको जिस तरह से आप रोटी बनाते हैं लगभग उसी साइज़ का हमें पेड़ा बनाना है, ये आप देख सकते हैं। और पेड़े को आप अंदर से दबाएंगे, तो अंदर से दबा के और आपको इस तरीके से बनाना है। और इधर दोस्तों ये मैंने मैदा डस्ट कर लिया है, अब इस पर जो मैंने लोई बनाई थी अब उसको हम बेलेंगे। तो इस तरीके से आपको लगभग रोटी से बड़ी शेप में बेलना है इसको, तो इस तरीके से इसे बेल लेना है। तो शेप हम देख लेंगे और इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस भी बिल्कुल पतली होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी भी नहीं हो।
मैं थिकनेस भी आपको दिखा दूँ, तो ये आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, तो इतनी ही चाहिए हमें, ज़्यादा मोटी नहीं, नहीं तो फिर हमारी कचौड़ी अच्छी तरह से पकेगी नहीं। अब दोस्तों इस पर चारों तरफ घी स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे और फिर बाद में हम एक साइड से इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके और उसकी फिर अपोजिट साइड से हमें फोल्ड करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अब इसके ऊपर घी स्प्रेड कर लेंगे और फिर मैदा डस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से कर लेना, हाथ से उसे स्प्रेड कर लेना और फिर इसको एक बार और फोल्ड करना है। तो ये हमारा कंप्लीट तरीके से फोल्ड हो चुका है। अब इसको हमें लंबा करना है, तो इस तरीके से आप बेलन से इसको कर सकते हैं लंबा, और या हाथों के सहारे से भी इसको थोड़ा लंबा कर सकते हैं। तो ये हमारा हो चुका है। अब इस पर फिर हम घी स्प्रेड करेंगे और मैदा डस्ट करेंगे। तो अब इसका 200 रोल बनाना है, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो ये हमारा बन चुका है, अब इसमें हम रोल बनाएंगे। तो इस तरीके से एक साइड से हमें फोल्ड करते हुए रोल के टाइप में लेके आना है और इस तरीके से हमारा ये रोल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान प्रोसेस है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आपको अभी देखने में लग रहा होगा, लेकिन जब आप बनाओगे तो कोई ऐसा कठिन नहीं है, बहुत आसान तरीके से ये बन जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसको दोस्तों बीच में से हमें कट करना है, इसके दो पार्ट करने हैं। इससे आप चाकू से भी कर सकते हैं, लेकिन चाकू से इसकी लेयर ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए मैं धागे से कर रहा हूँ। तो इस तरीके से धागे से इसके दो पार्ट हमें कर लेने हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अंदर से इसकी पूरी लेयर जैसी की तैसी बनी हुई है, और ये ही हमें बचा के रखनी है, क्योंकि ये ही इसके बाहर के लुक में दिखेगी। तो अब ये जो बाहर की साइड है, अब इधर से हम दबाएंगे और जो हमने एक कटिंग की है वो लेयर हमें पीछे की साइड रखनी है नीचे। अब इसको इस तरीके से हमें बेल लेना है। तो यही आपको ध्यान रखना, जो कट वाली साइड है वो आपको नीचे रखनी है। अब दोस्तों अब इसके अंदर हम अपनी स्टफिंग कर देंगे और चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी हम ज़रूर लगा देंगे, जिससे क्या है कि ये कचौड़ी हमारी फटेगी नहीं जब फ्राई होगी तब। तो इस तरीके से करके और इसको अच्छी तरह से दबा लेना है, जिससे ये अच्छी तरह से चिपक जाए। तो ऊपर जो एक्स्ट्रा आटा है इसे आप निकाल सकते हैं। अब इसको हमें दबाना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको दबाना नहीं है, जैसी शेप इसकी बनी है उसी शेप में हमें रखना है। अब इसी तरीके से दोस्तों जो भी मेरे पास लोई थी, मैं सारी लोइयों के बना लेता हूँ, इसी तरीके से हमें ये पूरे बना लेने। तो ये कचौड़ी दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और टेस्ट इतना गजब है कि एक बार आप खाओगे तो आप जब बार बार ज़रूर बनाओगे। और वैसे भी बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि हरे मटर की है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, उस पर आप कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, और जो भी आपको कमी दिखाई दे रही है आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, या आप अपनी चॉइस की रेसिपी की वीडियो चाहते हैं वो भी मैं बना के और इस पर अपलोड कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ईच अदर सपोर्ट पर काम करता है, आपको मेरा ख्याल रखना, मुझे आपका ख्याल रखना। इस तरह 250 ग्राम मैदा में ये 10 कचौड़ियाँ तैयार हो जाएंगी। इधर दोस्तों सारी कचौड़ियों में ये स्टफिंग भर चुकी है, तो इस तरीके से ये सारी हम स्टफिंग भर के तैयार कर लेंगे। अब इधर दोस्तों कढ़ाई में मैंने ये ऑयल ले लिया है और ऑयल को हमने हल्का गर्म किया है, और इस वाली प्रोसेस में दोस्तों गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखना है। तो ये आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से हम अपनी पूरी कचौड़ी जितनी भी बनाई है उनको हम इसमें डाल देंगे। तो 6 कचौड़ी मैंने तैयार की है, इनको इसमें मैंने रख दिया, और हमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, इससे 5 मिनट तक इसी तरीके से स्लो स्लो इन्हें हमें फ्राई होने देना है। तो इस तरीके से 5 मिनट इस वाली प्रोसेस में लगेंगे। इसके बाद इनको हम पलट देंगे, तो ये पलट के और फिर इनको सेकने देंगे। ये आप देख सकते हैं इधर ये हल्की ब्राउन हो गई, तो उल्टे सेकने में भी दोस्तों हमें 5 मिनट इनको इसी तरीके से सेकना है। तो ये आप टाइमिंग ज़रूर ध्यान रखना। और इसके बाद दोस्तों फिर इसको हम पलट के सीधा कर देते हैं। अब इसे हमें 10 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई करना होगा, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद इनको फिर हम पलट देते हैं 10 मिनट, फिर इस तरीके से हमें फ्राई होने देना है। तो इसकी फ्राई करने की जो प्रोसेस है ये ही इसका मेन सीक्रेट है, तभी ये कचौड़ी खस्ता बनती है। तो
तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अब इनको हम सीधा कर देंगे। अब सीधा करके 5 मिनट इसमें टाइम लगेगा, 5 मिनट हमें अभी और ये सेकने हैं। तो ये आप देख सकते हैं इनका कलर और इनकी लेयर खुल के आ गई। इनको स्लोली फ्राई करने से ही दोस्तों इनकी लेयर खुल के आएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी कचौड़ियों की लेयर पूरी खुल के आ गई और इनका कलर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। इसके बाद दोस्तों इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये हमें सभी निकाल लेनी है और इनको फिर थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये शेप इसकी दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक शेप है और खाने में भी दोस्तों बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो एक बार आपने बना के खाई तो ज़रूर आप बार बार बनाएंगे। ऐसी कई यूनिक रेसिपी की वीडियो दोस्तों मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में है, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके और वो वीडियो देख सकते हैं। कचौड़ी बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनी है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप भी ये ट्राई ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर लिखना कैसी लगी। और जो भी नए भाई बहन हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो दोस्तों बारी आ गई है 3 सीक्रेट टिप्स बताने की। टिप्स नंबर 1, स्टफिंग के मिक्सर को दरदरा ग्राइंड करके अच्छी तरह से भून लेना है। टिप्स नंबर 2, इसका डो हमें न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा पतला, हमें मीडियम बनाना है। टिप्स नंबर 3, कचौड़ियों को 35 मिनट तक की प्रोसेस के साथ फ्राई करना है जिससे वो खस्ता बने।